बताया था, किसी को याद है क्या? सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। और ये बैटरी से स्टार्ट किया था मैंने ना। राइट। मुझे याद है कि मैट्रिसेस स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है? हेलो, ठीक है ना? सर। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जैसा कि देख पा रहे हो कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे देखो, पहला कंडीशन है यहाँ पे कि ए और बी कोई दो मैट्रिस है, उन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना? पहला यस सर, यस कंडीशन है ये सर। कि देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ए प्लस बी या ए माइनस बी इज डिफाइंड। इन दिस केस वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इसके बाद हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो भी दो मैट्रिक्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने ए इक्वल टू, मैं रो वाइज बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड बी का वैल्यू है 3 1 2 6 5 4, और दोनों का ऑर्डर सेम है 2 बाई 3 2 बाई 3। ठीक है? अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे ए में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1, और बी में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का स्टूडेंट है 3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 3, दैट इज 4। ओके, नाउ इन द सेम वे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 एंड बी में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, 2 प्लस 1 दैट इज 3। इन द सेम वे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 एंड बी में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 2, एंड 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ओके, इन द सेम वे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 एंड बी का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6, 6 प्लस 4 10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी में भी 5, तो 5 प्लस 5 10, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए का 6 है एंड बी का सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 है, तो 4 प्लस 6 10, ये ए प्लस बी ये एड हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग कि करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, मतलब जो उनका एड्रेस है, अपने उसी एड्रेस के साथ दोनों में जो है उसी के साथ हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ए माइनस बी मैंने यहाँ पे बताया है कि a 1 माइनस 3 दैट इज -2, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। रो वाइज यदि आप देख रहे हो, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट किया है, फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 4 माइनस 6, 5 माइनस 5 0 हो गया एंड 6 माइनस 4 2 हो गया। ठीक है? तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ है एडिशन का, आप इसको पढ़ सकते हो या आपके एलएमएस पे भी ये डाला हुआ है, सेम चीज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, वहां से आप इसको यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब इसका जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव ला, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे नॉर्मली हम 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 करते हैं ना, उसे हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट को मल्टीप्लाई करें या राइट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई करें, बात एक ही होगी। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे ये मैट्रिक्स में भी होल्ड करता है। इन द सेम वे एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस ए, मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके तीसरे से हम ऐड करें या पहले दो को ऐड करके बाद में दूसरे दो को ऐड करें, तो बात वही होगी। ठीक है? इन द सेम वे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अंडर अंडर एडिशन, के इनटू ए प्लस बी इक्वल टू के प्लस के बी, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस ए, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि 0 जो है वो नल मैट्रिक्स है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो
वही मैट्रिक्स आता है। जैसे 2 + 0, अगर हम नॉर्मल बात करें रियल नंबर पे या कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर पे, तो 2 + 0 = 2 होता है। तो जो 0 हो ना, उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन बोलते हैं। मतलब जो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए वो 0 हो गया। तो उस इसी तरह से मैट्रिक्स में भी जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो नल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम उसको किसी भी मैट्रिक्स से जोड़ेंगे वही मैट्रिक्स मिलेगा। अब एडिटिव इनवर्स क्या हो गया कि कोई भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो यदि वो 0 आ गया तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो गया, क्योंकि वो a = -b हो जाता है। ठीक है, a + b = a + c, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन भी होल्ड करता है यहाँ पे, कि a + b = a + c हुआ तो a cancel b = c, या राइट में हम देखेंगे तो b + a = c + a, कैंसिल हो गया b = c हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड ऐड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉन कंफर्मेबल। ओके ठीक है, किसी को डाउट है कुछ यहाँ पे? ये तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है और प्रॉपर्टीज भी आप लोग जानते ही थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको समझना, अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो आप इसको देखो, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ध्यान देना, यदि ए इंटू बी निकालना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, देन एंड ओनली देन ए इंटू बी इज पॉसिबल विथ ऑर्डर एम बाई पी, यानी कि ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर यदि एम बाई एन है और मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर एन बाई पी है। तो देखो, ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो एन है और बी का नंबर ऑफ रो वो भी एन है, यानी कि ए इंटू बी पॉसिबल हुआ। तो जो नया मल्टीप्लीकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो एम बाई पी का हो जाएगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम के ऑर्डर के बराबर, एम बाई पी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ कंडीशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब ए इंटू बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल पे जाता हूँ। ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, रो वाइज में बोलू तो 0 1 2 1 2 3 2 3 4 ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ 1 - 2 - 1 0 एंड 2 - 1। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एरो मार्क किया हुआ है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो 3 by 3 ऑर्डर का है और बी कोई मैट्रिक्स है वो 3 by 2 ऑर्डर का है। अब आप मुझे बताओ कि ये ए इंटू बी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा? क्योंकि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 3 और बी में जो नंबर ऑफ रोज है वो भी 3 है, यानी कि दोनों 3 and 3 इक्वल है, यानी कि ए इंटू बी इज पॉसिबल। ओके, अब हम देखते हैं पहला कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया, ए इंटू बी यदि पॉसिबल हो गया, तब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसे। ठीक है, तो हमने ए इंटू बी को लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फर्स्ट रो है ए का, फर्स्ट रो 0 1 2, हेलो कोई कुछ बोल रहे हो? किसी के पास कोई डाउट है क्या? यहाँ पे पूछ सकते हो। नो सर। ओके ओके ओके, अब देखो यहाँ पे ए का जो फर्स्ट रो है 0 1 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड बी का फर्स्ट कॉलन 1 - 1 2 यहाँ पे लिख दिया है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, तो लोग डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो जस्ट जस्ट समझाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन एंड देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलन यहाँ पे मैंने लिख दिया है। केवल सिर्फ फर्स्ट रो देखोगे, 0 1 2 के साथ 1 - 1 2 ये फर्स्ट एलिमेंट में मिलेगा, फिर 0 1 2 के साथ -2 0 - 1 ये
फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। इन द सेम वे सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का ए का सेकंड रो बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी का सेकंड रो बी के ए का सेकंड रो बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक दैट ए का थर्ड रो बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको ऐसे अरेंज कर दिया है, एंड ए का थर्ड रो बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया 0 1 2 और 1 माइनस 1 2, मतलब ए का फर्स्ट रो एंड बी का फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे देखो 0 into 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई किया, एंड 1 into -1 + 2 into 2, ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। इन द सेम वे 0 into -2 + 1 into 0 + 2 into -1, देख रहे हो ना सब लोग। इन द सेम वे अगर हम सेकंड रो में आए तो 1 into 1 + 2 into -1 + 3 into 2, इसी तरह से इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। यहाँ पे ये जो हमारा a into b निकलेगा वो आएगा 3 - 2, 5 - 5 और 7 - 8, और ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ, तो यहाँ पे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये सारा एलएमएस पे डाला हुआ है। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोटा सा पूछा है कि ए इंटू बी तो निकल गया, बट बी इंटू ए, मैं बोल रहा हूँ कि B into A is not possible. Why? क्यों? कोई बता सकते हो? सर क्योंकि उसके ऑर्डर डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ बोलो। उसका ऑर्डर सर डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, ऑर्डर डिफरेंट रहने से नहीं होगा ना। देखो B का जो नंबर ऑफ कॉलम, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है B का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो A के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं है, एक यदि 2/3 है दूसरा 3/4 है, ऑर्डर डिफरेंट है बट मल्टीप्लिकेशन होगा, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बी में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है और ए का नंबर ऑफ रोज 3 है, इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे अच्छा वेरिफिकेशन ऑफ अबव प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिसको तुम लोग चाहो तो आसानी से समझ सकते हो कि जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है, चूंकि वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है तो उसको आप आसानी से चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जैसे मैंने ए और बी को लिख दिया है, अब ए का जो एलिमेंट है ए के जो रोज है उसको सॉरी कॉलम्स को ऐड करो, जैसे 0 + 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, एंड 2 + 3 + 4 = 9, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है उनको ऐड करना है और जो आंसर आया उसको भी ऐड करना है, ठीक है ना। ये जस्ट वेरीफाई है, बस एग्जाम में चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। अब जो आंसर आया है ए टू बी वो 3, 5, 7, मैंने इसको भी ऐड कर लिया और सेकेंड कॉलम को भी ऐड कर लिया, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ऐड करना है और जो रिजल्ट आया है उसके कॉलम्स को ऐड कर लेना है। अब जो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो सम आया था कॉलम्स का उसको एक रो बना लो, और उसके बाद जो सेकेंड मैट्रिक्स था उसके कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग है वो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आया था उसके सम के इक्वल आना चाहिए। इसको आप देख के आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे 3, 6, 9 जो फर्स्ट मैट्रिक्स का सम ऑफ कॉलम्स था उसको मैंने 1 - 1, 2 बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उसका वैल्यू आया 15। अब जब 15 आया तो ये प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आया जो आंसर आया था उसके फर्स्ट कॉलम का सम है, यदि ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारा प्रोडक्ट सही है। एंड इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस यदि कर लोगे अच्छे से ना तो कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लोगे, चेक कर लोगे और बता दोगे कि तुम जो मल्टीप्लाई किए हो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वो सही है या नहीं है, ठीक है ना। yes. इसी तरह से 369 को मैंने मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और उसका भी सम क्या आया -15, यानी जो आंसर आया था हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स उसका सेकंड कॉलम के सम के बराबर आया, यानी कि ये वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही है।
ठीक है, यस क्लियर और नॉट? क्लियर अब यहाँ सर। पे प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ मल्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कि इफ ए इंटू बी इज पॉसिबल देन बोथ आर सेट कंफर्मेबल मैट्रिक्स। ये कंफर्मेबल का मतलब होता है कि वो रिलेशन, वो ऑपरेशन या वो जो भी एल्जेब्रिक सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। यदि वो होल्ड कर रहा है तो वो उसे हम कंफर्मेबल मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लीकेशन या फॉर एडिशन या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ये तो हमको पता चल गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यदि हम करेंगे तो ए बी निकल सकता है, बी ए भी निकल सकता है, बट वो इक्वल कभी नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। क्लियर? मतलब वो नॉट कम्यूटेटिव। बट कभी कभी ए बी इक्वल टू यदि माइनस बी ए हो गया उसे हम एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं, वो एंटी कम्यूट हो रहा है। एसोसिएटिव, ये ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी। अच्छा, ये एसोसिएटिव तभी होल्ड होगा जब ऐसा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, तभी ये एसोसिएटिव को होल्ड करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है बट विथ टर्म्स एंड कंडीशंस है। यहाँ पे टी एन सी अप्लाई है, ठीक है ना। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब यहाँ पे भी कंडीशन है कि ए बी ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जस्ट लाइक दैट ए इंटू आई इक्वल टू ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स ए बन जाता है। कंडीशन क्या है, दोनों का ऑर्डर या तो सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू जीरो है तो आइदर ए जीरो होना चाहिए, बी जीरो होना चाहिए, या बोथ जीरो होना चाहिए। ए का पावर एम टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम एन, ये होगा, ये मैट्रिक्स होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर एम मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 2-2-4, इसको आप लोग लिख लो, सब लोग कॉपी कलम है ना सबके पास, ये मैट्रिक्स लिखो सब लोग, 2-2-4 रो वाइज मैं बोल रहा हूँ, -1-3-4 एंड 1-2-3, इसको चेक करो, अभी नहीं करना है, आप घर में चेक कर लोगे, चेक करके बताओगे या मुझे रिप्लाई करोगे या देख लोगे, खुद से चेक कर लोगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेंपोर्टेंट मैट्रिक्स है कि नहीं। मैंने चेक किया था तो मेरा ये करेक्ट आया था, सही आया था, यानी कि इसको तुम दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ए आ जा रहा है। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स को चेक करके मुझे बताओगे सब लोग। इन द सेम वे नील पोर्टेंट मैट्रिक्स, नील पोर्टेंट मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको हम नील पोर्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। और जितनी बार में आया वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, जैसे k इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर k है, यदि a टू द पावर k का वैल्यू जीरो आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो उसको हम बोलेंगे नील पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के। ओके, इन द सेम वे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे, इसको लिख लो आप लोग, समझने में आसानी होगी। जैसे ये ए है, 1-1-3, 5-2-6, -2-1, -3, इस मैट्रिक्स को अगर तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो आ रहा है, मतलब इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा और ये नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 होगा। इस मैट्रिक्स को लिख लो आप लोग, चेक करके मुझे बताओगे कि ए क्यूब का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यस सर, लिख लिए सब लोग, यस सर। आइडेंपोर्टेंट का ये मैट्रिक्स 2-2-4, -1-3-4 एंड 1-2-3, एंड नील पोर्टेंट मैट्रिक्स का ये 1-1-3, 5-2-6 एंड -2-4-3। ओके, ये दोनों आप लोग चेक करके मुझे बताओगे। आगे बढ़े हम लोग, ओके yes. okay. इसके बाद का जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स
उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स में जाएंगे। तो माइनस वन कोफैक्टर्स क्या कहता है कि जैसे ए वन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी शुड डिलीट द रोज एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट ए आई जे, मतलब यदि ए आई जे कोई एलिमेंट है और उसका हमको माइनर निकालना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी उसके उसके जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम होगा उसे हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे ए आई जे है तो ए आई जे मतलब क्या, आयथ रो जेथ कॉलम, मतलब आयथ रो को हटा देंगे जेथ कॉलम को हटा देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा या डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्चुअली होता है तो उसको हम माइनर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे एम वन वन का वैल्यू क्या होगा कि एम वन वन मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम हटा दिए तो हम ए वन एम वन वन जो है वो ए वन वन का माइनर है। अब ए वन वन है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दिया हमने, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो बचा क्या हमारे पास ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू एंड ए थ्री टू, ये हमारा सेम वे। हेलो, मेरी आवाज जा रही है सबको? यस सर अभी। ओके वन टू थ्री फोर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमको एलिमिनेट कर देना है तो क्या बचेगा ए टू वन ए टू थ्री ए थ्री वन एंड ए थ्री टू। इन द सेम वे हम कोफैक्टर क्या निकालते हैं, जो हमारा कोफैक्टर जो वन वन है वो माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन एम वन वन, मतलब कोफैक्टर में क्या करना है सिर्फ साइन देखना है। और यदि मैं डायरेक्ट बोलू शॉर्टकट में प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट इन साइन कर दोगे तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब माइनस में हम अल्टरनेटिव साइन कर दे वो कोफैक्टर निकल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग इसको, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटरमिनेंट टू थ्री फोर सेवन टू माइनस, ये मैट्रिक्स के लिए भी हो सकता है, मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट की जगह पे यदि मैट्रिक्स ले लोगे तो उसका भी माइनस एंड कोफैक्टर्स हो जाएगा। अब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान देना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टू है, अब टू जो है हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास टू माइनस फाइव माइनस वन थ्री, तो क्या हो जाएगा इसका माइनर टू इंटू थ्री माइनस माइनस फाइव इंटू माइनस वन, वन हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? और कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो कोफैक्टर जो है हमेशा वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली चलता रहेगा। ठीक है, और वो क्यों चलता रहेगा, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन एम वन, मतलब साइन क्यों चेंज होगा क्योंकि उसका जो पोजीशन है, जैसे ए वन वन तो हम माइनस वन का पावर वन प्लस वन ले लिए, ए वन टू माइनस वन का पावर वन प्लस टू ले लिए तो वो निगेटिव हो गया, ए वन थ्री माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री ले लिए तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालते चले जाते हैं। क्लियर है सबको? जैसे एम वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री, तो क्या बचेगा हमारे पास सेवन माइनस फाइव एट थ्री, उसका कोफैक्टर उसका माइनर निकाल लिए और अल्टरनेटिव साइन यानी ये प्लस के बाद माइनस 61 आ गया। ठीक है, इसी इन द सेम वे एम वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को हटा देंगे थर्ड कॉलम को हटा देंगे, क्या बच गया सेवन टू एट माइनस वन बच गया हमारे पास। अब वन माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस यानी माइनस 23 हो गया। तो माइनस एंड कोफैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेट होता है यहाँ पे। तो इसमें किसी को डाउट है कुछ, मैंने पूरा निकाला हुआ है कंप्लीट सारा बता दूं या हो गया? नो सर, क्लियर है सबको? माइनस को माइनस को फैक्टर्स क्लियर है ना सबको? हेलो, यस सर, जैसे क्लियर है। माइनस 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 में यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 161 माइनस 23 13 माइनस 26 माइनस 26 माइनस 23 माइनस 38 माइनस, ये माइनस हुआ, लेकिन हम जैसे ही अल्टरनेटिव साइन करेंगे देखोगे कि अल्टरनेट पोजीशन पे जो भी नंबर है वो चेंज हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। ओके, यस सर।
माइनस एंड कोफैक्टर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट. ओके अच्छा, मैट्रिक्स एडजॉइंट से पहले कुछ यहाँ पे जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैंने पढ़ाया था क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम रो को कॉलन बना देते हैं एंड कॉलम्स को रो बना देते हैं. ये तो सबको पता होगा ना, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलन बन जाएगा 1 2 3, एंड जो 4 5 6 सेकेंड रो था वो सेकेंड कॉलन बन जाएगा. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ओके एंड इन द सेम वे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज, ध्यान देना, ए ट्रांसपोज यदि वापस वही मैट्रिक्स बन गया तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए बन गया उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो. एक ए मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक होगा क्योंकि ए ट्रांसपोज इसका वापस ए आ गया है, और बी मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसको यदि बी ट्रांसपोज निकालोगे तो ये माइनस बी आएगा जो कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा. क्लियर है ना सबको? यस सर. ओके अब इसके बाद मैं पढ़ाता हूं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऑफ कोर्स ये जो भी काम हम लोग करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम होगा. अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इज रिटन बाय ए इज ए एडजॉइंट ऑफ ए. मतलब अभी जो हम लोग माइनस एंड कोफैक्टर्स पढ़े तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे. कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाता है. ठीक है ना, तो चलो हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम देख करके इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. 2 3 1 ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे. कोफैक्टर निकालेंगे जैसे 3 का कोफैक्टर हुआ. अच्छा यहाँ पे मैंने सिर्फ एडजॉइंट, एक सेकेंड. ओके ये एक्चुअली मैंने आप लोग पे छोड़ा हुआ है, जैसे एक ये आप एक मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 0 5 0 2 4 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है आप लोग को. मैंने आप लोग पे ही छोड़ा हुआ था कि आप लोग को निकलवाऊंगा क्लास में. ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 0 and 2 4 3, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है. आप विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन भी निकाल के बता सकते हो. ठीक है, कॉपी पेन निकालो और लिखो सब लोग इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या होगा. सर सारे एलिमेंट्स का निकालना होगा. सारे एलिमेंट्स का, हाँ तभी तो एडजॉइंट निकालेंगे ना, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के बाद ये तो डायरेक्ट फटाफट निकालोगे. चलो कोई भी निकालो ना, फर्स्ट रो निकाल लो केवल. चलो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो, 1 2 और 3 का, तीन नंबर का फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 5 into 3 minus 0 into 4 15 minus 0 that is 15. 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 0 into 3 minus 0 into 2. अब यहाँ पे निगेटिव रहता लेकिन ये क्या है, जीरो है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रह जाएगा. एंड 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 minus 10 minus 10 रह जाएगा. इसी तरह से हम सबका कंप्लीट, किसी को कोई डाउट नहीं ना है कोफैक्टर मैट्रिक्स में, एनी स्टूडेंट बोल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे. सर नहीं है सर. ओके ग्रेट, तो फर्स्ट रो का मैंने कोफैक्टर यहाँ पे निकाल के बता दिया है, तो इसका एडजॉइंट जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का. क्या निकालेंगे हम बोलो, एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज. ठीक है ना,
मतलब कि ट्रांसपोज जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है 15 0 -10 6 -3 0 एंड -15 0 5, इसका हम रो को कॉलन बना देंगे, यानी 15 0 -10 ये फर्स्ट कॉलन बन जाएगा, 6 -3 0 एंड -15 0 5, तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बन गया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये यदि याद रखोगे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे भविष्य में, फ्यूचर में इंजीनियरिंग लेवल पे, तो इसका बहुत यूज होगा वहां पे। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद रखना एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, मतलब ए मैट्रिक्स को सॉरी किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आता है वो डिटरमिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो वैल्यू आता है वो उसके डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है इसका, क्योंकि इसको फिर से फिर हम इनवर्स पढ़ते हैं और फिर आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में भी इसका यूज होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हम दो बार एडजॉइंट यदि निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए वही मैट्रिक्स मिल जाता है, और डिटरमिनेंट का पावर n-2 जहां पे n क्या है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है। अब अगर इसका मॉड ले लोगे तो ऑफ कोर्स ये डिटरमिनेंट ए तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालोगे तो वो वही डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। नाउ इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जीरो, उसको हम ए को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर। यस अब यदि सर, डिटरमिनेंट, और यदि डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया और उसी के साथ यदि एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नल मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो जब डिटरमिनेंट जीरो आ गया और उस केस में तुम यदि उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो नल मैट्रिक्स ही देगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है, पूछा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ यहाँ पे, छोटा सा मैट्रिक्स, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान यहाँ पे देखो शॉर्टकट निकालना है, जैसे ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा तो तुम फटाफट बना सकते हो इसको। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-2 इनटू ए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम सीधा डिटरमिनेंट निकालेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया है 1, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो 1 का पावर n-2। अब ऑर्डर इसका 3 है, यानी 3-2, 1 का पावर 3-2 यानी 1, यानी ये वापस ए ही मैट्रिक्स रह गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 1 आया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, इसको अच्छे से याद रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं इनवर्स बता देता हूँ, बस मैं चाह रहा था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं सबसे, ठीक है। यहाँ पे देखना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, देखो एक बात याद रखना है यहाँ पे, एक एक पॉइंट जो लिखा रहता है ना उसको बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए एंड सेम ऑर्डर, ऐसा नहीं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर, नहीं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी।
देन वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स ए इक्वल टू बी, या इसको लिख सकते हो कि ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। यदि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कह सकते हैं कि ए बी आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कि अभी जो मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बताई थी वहां से देखना कि कितना आसानी से तुम इनवर्स निकाल सकते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आया था ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट को हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए बोथ साइड। अब डिवाइड यदि हम कर रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन यहीं पे लग जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो होगा तो डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो क्यों होता है, याद रखना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जैसा कि अभी ऊपर में ए इंटू बी इक्वल टू आई हुआ, बी ए का इनवर्स हो गया, तो इन द सेम वे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ये जो पोर्शन है दैट इज ए इनवर्स, यानी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए, बस वेयर डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी जीरो। तो मुझे लगता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा सबको कि ये कैसे निकालते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है निकालने का। ठीक है ना, तो इनवर्स ये एक फॉर्मूला हो गया इनवर्स निकालने का। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, अब इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है डिटर्मिनेंट निकालना। आप लोग निकालो तो डिटर्मिनेंट इसका कितना आता है, चेक करके बताओ मुझे कि हम लोग, डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो आया तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसका डिटर्मिनेंट निकालो सब लोग। 0 1 2 वाला का हाँ, 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1, जीरो वन डिटरमिनेंट टू हाँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना। क्योंकि डिटर्मिनेंट यदि जीरो हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यदि नॉन जीरो आया उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आया सबका, निकालो जरा। डायरेक्ट तो निकल जाना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है। देखो फर्स्ट तो जीरो है, तो फर्स्ट जीरो हो गया। सेकंड है क्या, -1, -1 मतलब 1 -9, 8 एंड 2 -6 -5, हाँ -2 वन आना चाहिए। आएगा, देखो नहीं माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू आएगा, माइनस सर माइनस टू है, माइनस टू आएगा। -2 आया ना, यस ओके सर, ग्रेट। हाँ अब -2 आया, यानी कि ये नॉन जीरो हो गया। क्लियर और नॉट, यानी कि हम डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हैं, यदि मतलब इनवर्स इसका निकाल सकते हैं यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया। तो अब यहाँ पे चाहो तो कोफैक्टर निकाल सकते हो। एक काम करो, फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालो सब लोग, केवल फर्स्ट रो का, 0 1 2 का कोफैक्टर निकालना है, सिर्फ 0 1 2 फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालो। तो -1 8 एंड -5 आता है कि नहीं, बस ये चेक कर लो केवल। जैसे 0 का कोफैक्टर 2 -3, -2 × 1 -3 × 1, -1 आ गया। उसके बाद 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 1 × 1 -3 × 3, 1 -9, -8। लेकिन चूंकि ये प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन चलता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है ना सबको। एंड 2 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, 1 × 1 -3 × 2, यानी 1 -6 दैट इज -5।
इसी तरह से नेक्स्ट, वन का वन, टू का माइनस सिक्स, थ्री का थ्री, थ्री का माइनस वन, वन का टू एंड वन का माइनस वन, इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा निकल जाता है। क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर से। ओके, अब जब हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके कोफैक्टर मैट्रिक्स अब निकल गया, तो हमारा एडजॉइंट क्या निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये मतलब माइनस वन एट माइनस फाइव जो था वो कॉलन बन जाएगा, माइनस वन एट माइनस फाइव जो सेकंड रो था सेकंड कॉलन बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलन बन जाएगा। एंड इनवर्स, इनवर्स जो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अभी हमारा जो डिटरमिनेंट था माइनस टू था, और अभी जो एडजॉइंट निकला उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? इनवर्स निकल जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे तो पूछो। क्लियर है सबको? सबका क्लियर है ना? यस सब क्लियर है। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। तो अब होमवर्क लिख लो कि कम से कम 3x3 ऑर्डर का कितना प्रॉब्लम, तुम ही लोग बोलो कितना दें, दो दें, तीन दें, चार दें, पांच दें, कितना प्रॉब्लम कर सकते हो? इनवर्स निकालो, इनवर्स निकालना है, क्योंकि इनवर्स निकालोगे तो कोफैक्टर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एडजॉइंट का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इनवर्स में सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना? तो पांच कोई भी सम ले लेना, कोई भी मैट्रिक्स ले लेना पांच, किसका? 3x3 ऑर्डर का, 2x2 का नहीं लेना है, 3x3 ऑर्डर का कोई भी 5 मैट्रिक्स ले लेना, और उसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकाल करके प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। और उसमें एक चीज और है, एक चीज और याद रखना कि जो मैंने एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी अभी बताया था उसको भी चेक कर लेना, ठीक है? उससे क्या होगा कि उसे जो प्रॉपर्टीज है वो तुमको याद हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा, जितना भी एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है। जैसे अभी मैंने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, वो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आता है, वो सारा चीज चेक कर लेना। जैसे मैंने एडजॉइंट वाले में एक प्रॉब्लम कराया था उसको भी चेक कर लेना एक बार, प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताया हुआ है, आप लोग लिख सकते हो। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी जीरो। एवरी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि किसी मैट्रिक्स का चार पांच इनवर्स निकलेगा, नहीं, एक ही इनवर्स निकलता है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स provided determinant a non zero, okay, ab ka inverse b inverse a inverse, abc ka inverse c inverse b inverse a inverse, bilkul ko ulta mein chalega. yahan pe ek property hai a equal to 1/9, maine ek matrix diya hua hai, prove karna hai a inverse equal to a transpose, theek hai? to dekho yahan pe isko samajh lo, ye ek bahut hi acha trick hai yahan pe। यदि कोई मैट्रिक्स है उसको प्रूफ करना है कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, ए को हम ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और जब मल्टीप्लाई करने पे वो आइडेंटिटी आ गया तो ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज ऐसे ही बन गया। समझ रहे हो बात को? इसको लिख करके घर में चेक कर लेना, इसको लिख करके घर में चेक कर लेना, माइनस एट वन फोर, फोर फोर सेवन, वन माइनस एट फोर एंड वन बाई नाइन बाहर में। मतलब इस टाइप का ट्रिकी प्रॉब्लम है ये कि ए इनवर्स इक्वल टू यदि ए ट्रांसपोज ऐसा प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि वो आइडेंटिटी आया, याद रखना आइडेंटिटी नहीं आएगा तो ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, यदि आइडेंटिटी आया तभी ए इनवर्स का वैल्यू ए ट्रांसपोज आएगा, ठीक है? और एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है कि ए का वैल्यू है, ए इनवर्स निकालना है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया, जैसे ही डिटरमिनेंट जीरो आ गया ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके यस सर। तो किसी के पास कोई डाउट है यहाँ पे? ओके राजेश सर,
यस सर।